हेलो कहाँ जा रहे है तू? थरू तू कहाँ जा रहा है? है ना हेलो हेलो ए हेलो बना ले ना अपनी जगह। सॉरी ये देखो ये ब्लू बुल है और यार बहुत बड़ी बात है यार वो भाग गया बेचारा। इसको अब पता चला है कि होगी तू कहाँ घुस गया। चिंता होगी इसको। तो रक्षित भाई ने और को ये बोला कि ऑर्गेनिक एकड़ जा रही है और असलियत में ये अडॉप्शन सेंटर में छोड़ के। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित बंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। कैसे हो आप सब लोग भाई? हमने देख लिया आपने कि हाँ हम आज हमारी पूरी फैमिली ट्रिप पे जा रही है और हम एक स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो ये रहा हमारा पहला कंटेस्टेंट मानू डॉन। नमस्कार मानू। ये मैं मानू के लिए नई स्वेटर लेके आया था, कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस आज हम जा रहे हैं घूमने बाहर। पापा जी नमस्कार। मम्मी पापा मैं थोर देखो पहले ही तैयार हुआ है। है लगा है इसके अंदर। दिखाइए भाई दिखाइए। क्या भाई हमारी हेलो ये नहीं। सो दोस्तों मैंने आपको बीच में इसलिए रोका है कि एक दो क्वेश्चंस के मैं आंसर दे दूं जो कमेंट सेक्शन में आ रहे थे। पहला क्वेश्चन कि खुशी कहाँ है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी मेंशन करा था कि खुशी की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है और आप सब डॉग लवर्स हो, आप सब फैमिली व्लॉग्स पसंद करते हो, आप सबको बताना चाहिए कि वैक्सीनेशन से पहले डॉग को बाहर नहीं लेके जाते। इसलिए मैं उसको छत पे ही पोटी कराता था क्योंकि बाहर नहीं लेके जाता मैं। बाहर बहुत सारी बीमारियों का खतरा है जैसे कि पार्वो वायरस, जिसकी वजह से मैं मेरा प्यारा सा पप्पी भी खो चुका हूँ। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से हम उसे नहीं लेके जा रहे हैं बाहर कहीं भी, और दैट इज वाई कि मैंने उसको सुमित के पास छोड़ा हुआ है। अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस व्लॉग में जाके देखो, मैंने मेंशन करा हुआ है। किसी को डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कोई बंदा है तो प्लीज मेरे से एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे से कांटेक्ट करो, या फिर मैंने मेल आईडी दी हुई है, या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो मुझे एक बार जरूर करना जो भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है। और एक और बस लास्ट मेरे ब्रदर ने एक चैनल नया खोला है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे एक बार सब्सक्राइब कर लो। भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ाते हैं। ठीक है तो चलो बस ज्यादा देर होगी, अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। आज आज हेला को पहली बार लग रहा है कि कहीं और ही जा रही है भाई। हेलो कहाँ जा रहे है तू? थरू तू कहाँ जा रहा है? पहली बार अपने चैनल पे भाई, अब सारे पहली बार बाहर जा रहे हैं, है ना? पहली ट्रिप ऐसी है कि हम सारे साथ में जा रहे हैं। मैं तो काफी टाइम के बाद ट्रिप पे जा रही हूँ गाइस। जाते नहीं तू तेरी बस में धक्के खाते हुए चंडीगढ़? वो तो डेट से लगा एक्सपीरियंस। चलो मम्मी को बुला ले मानू। मम्मी डांट सकती है, इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती। वो बोले के आऊं अब इसके साथ प्रैंक करो, इसको अंदर करो भाई, इसके दिल लग जाए, इसके साथ प्रैंक करो। पापा आप चाह रहे इसको इसको प्रैंक करो। मम्मी इसको अंदर छोड़ के आड़ा एक सेकंड। चल आजा थोड़ी चल आजा चल लगे बाद मत इसको ऐसी छोड़। चलो नहीं जा रहा नहीं। चलो भाई चले। सो दोस्तों हम रास्ते में रुक गए थे, एक तो फास्टैग नया लगवाना था क्योंकि एक साल से बंद पड़े हैं ना। एक्चुअली हम हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा में टोल बंद थे जब से किसान आंदोलन चल रहा था, और अब किसान आंदोलन ओवर हो चुका है क्योंकि सब चीजें मान ली गई है, तो इस वजह से फिर अब टोल भी ओपन हो रहे हैं। तो फिर नया फास्टैग लगवाया था तो इसलिए लेट हो गए थे। दूसरा भी वो हस्सी से क्रॉस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हस्सी के मशहूर पेड़े मिलते हैं, तो मम्मी कहती है कि भाई ये ले लो ये अच्छे होते हैं। बस अभी पापा वो ले लेते हैं, हम लेट भी हो गए हैं, अब तक तो आपको पता चल गया होगा हम खा। ओए थोड़ा नहीं बता दिया दोस्तों, पोजीशन चेंज हो गया, थोर आगे आ गया। अब देखो अपना पूरी हवा की फीलिंग लेके अंदर ले लेता है मुंह में। राज्य हो इधर बेची
पापा को दिखा, पापा गाय के, गाय के साथ घूम रहे हैं रोज गांव के बीच में। ब्लू बुल, इसे ब्लू बुल बोलते हैं। ना ये देखो ये ब्लू बुल है, और यार बहुत बड़ी बात है यार, वो भाग गया बेचारा, इसको अब पता चले कि वो तू कहाँ घुस गया, ये गायों के साथ घूम रहे हैं। ये कैसे हो सकता है पापा, ये तो बहुत अलग चीज देखी है अपन। ये भूल गया मैं क्या हूँ, ये भूल गया क्या पापा? नहीं तो ये तो डरपोक से होते हैं। ये तो बिल्कुल ये, लेकिन ये जो आवारा गाय है ना उनके साथ घूम रहे हैं। ये देखो पापा के करीब देगा इसको रोड पे कुत्ते जाते मारेंगे बेचारे। अपने हाँ भाई दोस्तों, पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन ऑर्गेनिक एकर्स में आए हम, ये दिल्ली में है ये, और ये थोरू है हमारा बेटा, ये बैठा है मम्मी, ये रही मम्मी ने आज इतनी गजब गजब कमेंट्री करी है ना, आज इतना नजारे दे दिए। कहाँ पहुंच गए मम्मी? देखेंगे पहुंचे कहाँ, अभी तक तो धक्के खाए हैं। चलो पहुंच के नहीं बुलाते आप। हाँ? गाड़ी पार्क करने जा रहा है, थोर को लग रहा है कन्नू छोड़ गया, चिंता होगी इसको। तो रक्षित भाई ने और को ये बोला कि ऑर्गेनिक कट जा रहे हैं और असलियत में ये अडॉप्शन सेंटर में छोड़ के जा रहे हैं। बाय। नहीं ये चीज सही है थोड़ा सा। चलो चल भी, चल चल अपने गाड़ी के पास ही चल, चल अपनी छाप छोड़ दे। थोर ही मेरा मेरा मैं क्या थोरी मटकी छोटी। चलो भाई एक बार भैया से और इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ऑर्गेनिक एकड के ओनर है ये लक्ष्य भैया, आज हम इनकी प्रॉपर्टी पे आए हैं और इनको घर आए भाई साहब, प्रॉपर्टी घर है हमारा। अच्छे तरीके से भैया दिखाएंगे हमें, थोड़ा ऑर्गेनिक एकड़ के बारे में बताएंगे कैसे इन्होंने एस्टेब्लिश करा इसे और बहुत सारी चीजें, और इनके पास डॉग्स भी है भैया। ये मेरी चुया छुपकी, ये मेरी चुया छुपकी, हेलो छुपकी, वो दोस्त है, दोस्त की तरह मिलना है। हाँ देखिए भी दोस्त है, अच्छी है ये देख, सारे अच्छे हैं इधर। हाँ। प्यार से प्यार से मिलेगा, तू तू कर रहा है सॉरी डबल वुमेन एग्जैक्टली थोर की आती है, कुछ नहीं ये प्यार से बोल रहे हैं, दोस्त है सारे, सारे दोस्त है, सारे दोस्त है, नाक काट लेगी ये प्यार से। हेलो अब यार आराम से बैठे, उसको हाथ काट ले, प्यार से मिलना भाई, प्यार से लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं ऐसे करोगे तो इसने तो दोस्ती का वो खराब करा अभी, ये बोली मेरे को नहीं करनी दोस्ती, अब दूसरी डॉगी के साथ ट्राई करें। मानो आप ये कितनी प्यारी है, ये तो चोचली है, बहुत सही वो कर दे, ऐसे ही होते हैं डोबर मैन, ऐसे ही होते हैं गंदे गंदे। रानी वाला तो कौन है ऐसा? अच्छा डोबर मैन, डोबर पापा लेबर की बात करें हम। हाँ ये मिलेगी आराम से, चकना मार, ये तो बिरादरी की है आराम से। अच्छा नहीं इसके पास ही आगे पहले सबसे मिलेगी दिल्ली मेरे को, मेल फीमेल को होना तो नहीं चाहिए। नो आ जा कुछ ना ड्रिल ना ड्रिल ना ऐसे नहीं अपने अपने हिसाब से बैठा हूं ना मैं तेरे साथ, कभी हुआ तेरे को कुछ? तूने मेरे से चप्पल काटी मैंने कहा तुझसे, और वो जुराब लेके गई तू है। हेलो क्या होगा? हेलो को मो माया से कोई लेना ही नहीं, हेलो को कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ आई हूँ कहाँ नहीं, इसको मम्मी के पास रहना बस। रूम में आ गया हेलो ये भी थोड़ी ये ना, और पापा और मम्मी बाहर खड़े हैं। पापा का स्टाइल देख लो गाइस, पापा का स्टाइल देख लो, सलमान खान तो आप उन्हीं चे हेलो की भी जाओ देखिए उधर भी कर हेलो कर निकाल रही मेरी बच्ची ने। व्हाट यू वांट टू से? मजा ये देखो चूल्हे पे रोटी बन रही है अपनी, और कैरम भी खेलेंगे पापा, पापा करते
पापा की थोड़ी रैम कम है, 400 MB रैम है पापा की, कई बार 400 MB हो जाती है। फ्रेश टमाटर खाएंगे आप? फ्रेश टमाटर खाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हो टमाटर तो लगे ही हुए है, ये देखो ये लगे हुए टमाटर। ये तो अभी थोड़ी देर में, अभी यहाँ के अपने कम से कम 2-3 व्लॉग तो बनेंगे अलग अलग तरीके के, 3 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, पर अभी तो 3 बनेंगे। ये देखो अभी यहाँ पे डाइनिंग सेट हो गई है और पानी वगैरह इसमें से। ये तुलसी है मम्मी या पुदीना है? पुदीना का पुदीना है इसमें, पुदीना और नींबू। हाँ, और ये मानुडोन अल्कलाइन वाटर है ये। अच्छा, अल्कलाइन। हाँ, क्योंकि मैंने उसका डॉक्टर, उसका शुद्धि वाला जो है ना, उसका देखा था। और थोर वहाँ पे रूम में, थोर और हेला वहाँ बैठी हुई है उसको अच्छी तरीके से, और थोर वहाँ से ही देख रहा है हमें। चलो उसको ये संतुष्टि है हम दिख रहे हैं ना, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो कहेगा बैठ जाएगा अब थोड़ी देर में। मैं हेला कैसे पसरी जाके बेड में, रिलैक्स ऐसे देखना। अभी हमने रूम में हेला को बिठाया, जाके ऐसे पसर गई, बैठ गई, मतलब मेरा ही तो घर है ये। और बैठ के, एक तो भाई हेला की सबसे बेस्ट बात, बैठ के सबकी बातें सुनेगी और गौर से सुनेगी, मतलब जैसे, मतलब कि हम जैसे मम्मी बोल रही है तो मम्मी की तरफ मुंह करके अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मानो बोलेगी अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैं बोलूंगा हाँ हाँ भाई सही कह रहा है, सही बात। तो इस तरीके से देखते हैं वो। सही बात है भाई साहब। तो भाई हमारा लंच शुरू हो चुका है पापा जी। क्या 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 है, चलो भैया बताएंगे क्या क्या, क्या, क्या है लंच में अपने। मैं ये मिक्स वेज है, ब्रोकली वगैरह डाल रखी है उसमें, गोभी है, हमारी दाल है, सरसों का साग है, बथुए का रायता है, ये मूंगफली की चटनी है, बाजरे की रोटी है, और आप सब लोगों का प्यार है। और ये सारी सब्जियां भाई यहाँ से ही है, ऑर्गेनिक एकड़ से। सब्जियां नहीं, चावल हमने ही बना रखा है, चक्की भी हमारी है, धान भी हमारा, चावल भी हमारा, बाजरा भी हमारा, रोटी के लिए आटा जो बनाते हैं, प्रोसेसिंग भी हम खुद करते हैं और उगाते भी खुद है, मतलब कि सब चीजें, बस ये प्लेट और रह रही है भैया बनानी। ये एक्चुअल में ये ऑर्गेनिक है बोलते है ना, प्योर प्योर शुद्ध बिल्कुल। चलो अब एंजॉय कर लेते हैं हम अपना लंच और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। हाँ बोलो। हेलो, हेलो, हेलो। ये इसका क्या है, ये अपने मूड पे रहती है, अपने मूड के हिसाब से आती है, ये हमारे पास भी मूड के हिसाब से ही आती है। बाल सही कर रहे थे इसके, अब यहाँ पे आराम से भेज देगी इसके पास बैठे। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैंने यहाँ ही रोका है, अब इससे नेक्स्ट व्लॉग में हम एक फार्म टूर भी करेंगे और बहुत सारी मस्तियां करेंगे, तो वो जरूर देखना मत भूलना। इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारी मस्तियां बताना कौन कौन सी आपको अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक कर दो यार, थोड़ा सी हिम्मत बढ़ती है और फिर और अच्छी वीडियोज लाएंगे हम आपके लिए, तो खुशी मिलती है यार, लाइक कर दो ठीक है। इसी के साथ इजाजत दो, नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा।